भक्ति से जुड़ी हुई चीज किरसन और सुदामा के किस्से की ये रागनी मैं आपके बीच में रख रहा हूं। उस समय की रागनी है जिस समय सुदामा जी को टोटे ने घेर लिया, मिश्राणी के बार बार कहने पर ना चाहते हुए भी सुदामा जी किरसन जी भगवान के पास पहुंचते हैं। जाकर के किरसन जी भगवान के द्वार पर अलख जगाई, एक द्वारपाल मिलता है। द्वारपाल से सुदामा जी कहने लगे कि जा किरसन जी से न्यू कह दे तेरा यार बुलावे से, एक फटे वस्त्र वाला मानस बाहर बुलावे से। जब इतनी बात द्वारपाल ने सुनी कहने लगा कि आपकी वेशभूषा से तो ऐसा लगता है माथे पर तिलक लगा रखा है, गले में जनेऊ है, आप ब्राह्मण जाति से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन आपको यदि कुछ चाहिए तो आपको यहीं से मिल जाएगा, लेकिन हमारे किरसन जी भगवान को आप अपना यार मत कहें। एक बात के द्वारा वो द्वारपाल सुदामा जी को नसीहत करते हुए एक रागनी के माध्यम से क्या कहने लगता है, क्या दर्शाए इस रागनी के माध्यम से, क्या लिखा वाला लग्या राजा का दरबार उड़े तू सहम विवाद करेगा किरसन धोर जाके ने तू के फरियाद जी, जिन्होंने कई सौ रुपए पहले दे दिए हैं और 10 रुपए अब दे रहे हैं उनका भी बार बार धन्यवाद। और आपके बीच में मलिक फिल्म मेरे परम आदरणीय मामा जी मदन पाल जी मलिक, जो ये प्रोग्राम आपके बीच में 10-15 दिन के बाद ही नेट पर आपको देखने को मिलेगा, हमारे 4-5 दिन में, हाँ हम उनका भी तहदिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे मामा जी मदन पाल जी जो मलिक फिल्म के मालिक हैं उनकी तरफ से भी 200 रुपए दिए गए हैं, उनका भी तहदिल से धन्यवाद करते हैं। और भी हमारे भाइयों ने 10-20 रुपए का पुरस्कार दिया है, हम सभी का तहदिल से धन्यवाद करते हैं। आइए और हमारी माता बहन भी जो इस प्रोग्राम में पहुंची है, हम उनका भी तहदिल से धन्यवाद करते हैं। सभी शांति बनाए रखें, एक एक बोल एक एक लाइन आपके सुनने और गुनने लायक होगा, क्या लिखा वाला भरण की आशा करके अपना यार बताए जा, पाखंड रोज रचाए जा, यही जगत का पैसा बन गया
मांगे जानवर खाए जा। हमारे भगवान को अपना यार मत कहे, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, राजा की और कभी कंगले की जोड़ी नहीं मिला करती। दूसरी बात के माध्यम से और चीज कहने लगा, क्या लिखा वाला दिखे झूठ बोल के मेरे सामने, छुपाना ठीक नहीं, मैं पहरेदार खड़ा ड्योढ़ी पे, तेरा यो धुनताना ठीक नहीं, पहरेदार खड़ा ड्योढ़ी पे, तेरा यो धुनताना ठीक नहीं, तेरे फाटे वस्त्र टूटे लीतर, भेस पुराना ठीक नहीं, इस हालत में किरसन जी के धोरे जाना ठीक नहीं। पकड़ के खा देगा, हाथ पकड़ के खा देगा, फिर किसने याद करेगा, दौर जाते तू के फरियाद करेगा, कृष्ण दौर जाते तू के फरियाद करेगा। अरे समझ लो कुछ नहीं गया, लेकिन अगर ये इज्जत चली गई तो फिर कुछ भी रहा नहीं। वो द्वारपाल समझाता है कि हे गरीब ब्राह्मण, आप हमारे कृष्ण जी भगवान के यार नहीं हो सकते, यदि आपको अपनी इज्जत प्यारी है तो यहीं से वापसी लौट जाइए। तीसरी बात के माध्यम से एक एक बोल, एक एक लाइन सुनने लायक लिखा, क्या लिखा वाला समझदार मानस ने अपनी, समझदार मानस ने अपनी इज्जत सबसे प्यारी हो, नेम बिगड़ जा धर्म छूट जा, जिस घर में धन की हारी हो, नेम बिगड़ जा धर्म छूट जा, जिस घर में धन की हारी हो, जो कृष्ण धोरे चला गया इसमें बदनामी भारी हो, आज तलक मन सुनिया नहीं राजा का यार भिखारी हो, आज तलक मन सुनिया नहीं राजा का यार भिखारी हो, के घर आए पे भीख डाल दे हो, तू
कली आपके बीच में रखी है। यदि रागिणी अच्छी लग रही हो तो एक बार जोरदार ताली सभी कलाकारों के सम्मान में होनी चाहिए, जोरदार ताली। चौथी बात के माध्यम से कवि ने तोड़ लिख दिया, एक एक बात और एक एक लाइन बिल्कुल तोड़ करा। क्या लिखा वाला दिखे पढ़ा लिखा हुसी यार भतेरा, पढ़ा लिखा हुसे यार भतेरा, सब कुछ हरना जानू सो ईसा विसा मत समझ लिए मैं, सब कुछ करना जानो सो ईसा विसा मत समझ लिए मैं, सब कुछ करना जानो सो। दिके जो नर बात प्रेम से कहते बात पे मरना जानो सो, गुरु राम भगत के गुरु राम भगत के चरणों के मैं सर भी धरना जानो सो। जगन्नाथ